सोनीपत स्थित बुटाना चौकी में तैनात हरियाणा पुलिस के दो जवानों की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। गश्त के लिए निकले थे दोनों जवान, तस्करी का मामला था, उसी को लेकर गश्त कर रहे थे। बिल्कुल जी, गश्त ये कर रहे थे ताकि हर प्रकार की जो क्रिमिनल गतिविधि है उस पर हम अंकुश लगा सके। और बहुत ही दुखद घटना है, उन्होंने प्राण की अपनी आहुति दी है, इस पर हम जरूर उनको न्याय दिलवा। सर कुछ पता लगा कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितनी गोली? अभी मैं ये प्रारंभिक अभी जाँच शुरू हुई है और अभी शार्प एज वेपन से हमें लगता है, परंतु एक बार हम एरिया की कॉम्बिंग कर लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद तफ्तीश के बाद ही हम कुछ कमिट कर पाएंगे। देखिए अभी ऐसा नहीं लगता, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारा डिस्क्लोज करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम जो है वो हम उसको मैच करेंगे, उनसे हम रिजल्ट निकालेंगे। इस समय कुछ भी कमिट करना मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है सर। मौली के फेज 7 YPS चौक के नजदीक एक युवक का कत्ल। पंचकुला के सेक्टर 10 के पास हादसे में एक व्यक्ति की मौत, बताया जा रहा है व्यक्ति किसी बैंक में कैशियर था। सोमवार को भारत सरकार ने टिकटॉक, हेलो, शेयर इट और ब्यूटी प्लस जैसे लोकप्रिय सहित 59 चीनी ऐप्स को किया बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे, कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। पाकिस्तान से फोन पर मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल और आसपास के कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। फरीदाबाद के बडौली गांव में 2 बच्चियों पर गिरी बिजली, देर रात की घटना, दोनों बच्चियां बरसात में नहा रही थी। सोमवार को चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टर से पॉजिटिव केस आए हैं। इन मरीजों में सेक्टर 23D की 39 साल की महिला, सेक्टर 41A का 15 साल का लड़का और सेक्टर 29A की 60 साल की बुजुर्ग शामिल है। इन तीनों के घर के सदस्य पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं। कोविड-19 संकट के बीच पंजाब सरकार की तरफ से सार्वजनिक बसों में पूरी सवारियां बैठाने की छूट दिए जाने के साथ ही निजी कार में पूरे परिवार के साथ सफर करने की भी छूट दे दी गई है। इस डील की शर्त यह है कि कार में एक ही परिवार के सदस्य साथ बैठ सकेंगे। रिश्तेदारों, पारिवारिक मित्रों को साथ लेकर एक ही कार में सफर करने की अनुमति नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।